बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम तौकीर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर एजुकेशन सिस्टम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जिसमें आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 2023 में पेश किए गए एडमिशन, जो सेकेंड फेज़ के एडमिशन इस वक्त जारी थे उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। उसके वाले से आज की वीडियो में आपको मुकम्मल और तफसील से बताया जाएगा, क्योंकि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की दो बार, एक बार एक्सटेंड हो चुकी जिसकी 4 मई लास्ट डेट थी। अब अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दोबारा बढ़ा दी है, लेकिन इस बार जो बढ़ाई है वो लेट फीस के साथ बढ़ाई है। तो आज की वीडियो में यही बताया जाएगा कि इस डेट तक आप लोग जो जारी स्टूडेंट किस डेट तक अपना इनरोलमेंट कर सकेंगे, और जो फ्रेश स्टूडेंट हैं वो किस डेट तक अपना इनरोलमेंट कर सकेंगे विद लेट फीस के साथ। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानब। आपने क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल जाए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन मौसूल हो चुका है, जिसकी जो पहले अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो दाखिले जारी थे सेमेस्टर बाद 2023 के जो दूसरे मरहले के जो दाखिले थे उसकी तारीख में लेट फीस चार्ज के साथ तौसी कर दी गई है, 18 मई तक तौसी दे दी गई है। यहाँ पर आपको बताते चलें, पहले जो इसकी डेट थी सेकंड जो फेज़ था इसके एडमिशन 2023 स्प्रिंग के, उसकी जो पहले डेट थी वो थी 18 अप्रैल। फिर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने नॉर्मल फ़ीस के साथ उसकी जो डेट एक्सटेंड की थी वो थी 4 मई। 4 मई के बाद अब अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि दाखिलों की तारीख में क्या किया, उन्हें तौसी कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 मई तक तौसी दे दी गई है, जो जारी तुलबा हैं 11 मई तक बग़ैर लेट फीस। यहाँ पर आपको फिर से वाजे कर रहे हैं, 11 मई तक बग़ैर लेट फीस चार्ज के साथ इनरोलमेंट कर सकेंगे जो जारी तुलबा तलबात हैं, जबकि 11 मई तक इनरोलमेंट ना करने की सूरत में जारी तुलबा 12 मई से 25 मई तक लेट फीस चार्जर के साथ इनरोलमेंट कर सकेंगे। दोबारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दाखिलों की तारीख में तौसी कर दी गई है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें अपना एडमिशन भेजना है उनको ताकि पता चल सके कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अपनी राय का इजहार करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, और अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।